चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो एनडीए की मदद तो करते हैं, लेकिन अभी भी औपचारिक तौर पर वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी केंद्र में उनको मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वहीं दूसरी तरफ इन तमाम खबरों के बीच उन्होंने एनडीए के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है। आज हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि इसमें परेशानी वाली बात क्या है। दरअसल हाजीपुर वो सीट है जहां से उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस सांसद हैं और वो केंद्र में मंत्री भी हैं, वो ऑफिशियली एनडीए का हिस्सा भी है। ऐसे में चिराग और उनके चाचा के बीच चल रही सियासी दुश्मनी एनडीए को मुश्किल में डाल सकती है। बता दें कि हाजीपुर वो सीट है जहां से रामविलास पासवान आखिरी बार लोकसभा के सांसद थे, उनकी पारंपरिक सीट थी। उस सीट से पशुपतिनाथ पारस अभी सांसद हैं और अब चिराग ने दावा किया है कि वो भी जो है उनकी पार्टी भी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। और चिराग ने यह दावा उस समय किया है जब अभी तक एनडीए की तरफ से तय नहीं हुआ है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ये दावा ठोक रहे हैं कि उनकी पार्टी हाजीपुर से लड़ेगी। सुनिए। इतना जरूर मैं दावे से कहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रही है। मैं चाहता हूं उनके सिद्धांत, उनके विचार ना सिर्फ प्रदेश भर में, ना सिर्फ देश भर बल्कि दुनिया भर में जाने जाएं। जिस सोच के साथ वो अपने प्रदेश, अपने देश को आगे लेकर हर किसी को साथ मिलाकर चलने की सोच रखते थे, मैं चाहता हूं कि उनकी वो सोच, उनके वो सिद्धांत घर घर तक पहुंचे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन था। चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे जहां उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि वो हाजीपुर से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे मंत्री बनने वाला सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किसे मंत्री बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि चिराग एनडीए का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पशुपतिनाथ पारस ऑफिशियली एनडीए का हिस्सा है। दोनों ही भाजपा के साथ रहते हैं तो बीजेपी हाजीपुर से किसे टिकट देगी, दोनों ही दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा चचा पशुपतिनाथ पारस को नाराज करेगी या फिर चिराग पासवान को? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।